ये आज हम थोड़ा सा हाइकिंग कर रहे हैं इसके बनाने एक हाइक का और ये अभी हमने गाड़ी यहाँ खड़ी कर वो ली। अभी देखो ये ऊपर बैग है। अभी देखो वो देखो वो ऊपर 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 अच्छा, वो एक दोस्त वो हमारा देखो ऊपर वो बैठा दरख्त है। के साथ बैठा हुआ है बिल्कुल। इसका 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 वो हो इधर इधर नीचे से इधर नीचे दिखा हुआ उधर दिखा बहुत हुआ जगह नीचे जगह है। इंशाल्लाह वो ऊपर चोटी तक जाएंगे आज। ये अली भाई है और अगर बंदूक से कोई शिकार निकार आ गया साथ तो अच्छा होगा। अली भाई वीडियो बना। वो हामिद हमारा ऊपर बैठा हुआ है। हामिद बोल रहा है तैयारी कर रहे हैं के लिए चलो बिस्मिल्लाह करते हैं इंशाल्लाह सही होगा। केटू जा रहा है? नहीं अभी तो केटू नहीं है अभी तो ये कौन सा गाँव है? ये चुंदा वैली। चुंदा वैली से ऊपर जा रहे हैं। अच्छा 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 केटू जाने का देख रहे हैं कि भाई हम अगर सफर में कोई मुश्किल है तो फिर केटू ना जाए। ठीक है। किनो नाला बोलो किनो नाला किनो नाला कीनो नाले तक हम पहुंच गए। रास्ता बहुत मुश्किल है। नाले के मुंह पे पहुंच गए। बहुत थक गए। दो तीन जगह स्टे करके यहाँ तक आए। ये यहाँ ये आने तो केटू में क्या होगा? हामिद सलमान भाई अली। हाँ जी ये दोनों को यहाँ के ये तो नहीं तकते रास्ता सही है अभी? अभी रास्ता सही हो गया। चू बोलते हैं ये अभी चू रास्ता आ गया है। घासिंगे यहाँ से हम होते हुए ऊपर घासिंगे 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 बर्फ का शेर मतलब। अच्छा घासिंगे का मतलब है बर्फ का शेर। बर्फ का शेर वो रहा बादल आया हुआ है जिस जगह। अच्छा वो बादल तक जाएंगे हम। हाँ हाँ वो बादल तक हम इंशाल्लाह जाएंगे। और ये रास्ते आहिस्ता आहिस्ता सख्त भी हो रहे हैं और नरम रास्ते भी आ रहे हैं। अभी आगे देखते हैं कि क्या होगा। ये घासिंगे बर्फ का शेर का पानी घासिंगे का पानी आ रहा है। इस पानी तक हम जाएंगे ऊपर ही। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। ये लोग को घासिंगे मतलब बर्फ़ का शहर की तरफ जा रहा है। आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे। ये वीआईपी रास्ता है और रास्ते भी बने हुए हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ पे रास्ते अच्छा खासा बने बनाए हुए हैं। ये बिल्कुल। हाँ भाई आप लोग किधर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं घासिंगे जा रहे हैं। घासिंगे के क्या मतलब होता है? घासिंगे का मतलब है ग्लेशियर का शहर। बस बहुत ज़बरदस्त भाई बहुत ज़बरदस्त। ये रहा भाई ये रास्ता रहा है। रास्ता बिल्कुल सही साफ सुथरा रास्ता है। ये देखें रास्ते में कोई मसला नहीं है। वो बर्फ का शहर वहाँ पे बादल आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान लोग। ये देखो ये लोग घासिंगे यानी कि बर्फ की शहर की तरफ जा रहे हैं। रास्ता भी सही है। नीचे नाले में पानी भी है और ये पहाड़ है और ये ऊपर जाना है हम लोगों ने। ये देखिए बंदे आ गए। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई खैरियत तो है? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी भाई जान वालेकुम। ये देखें ये अभी इधर से निकल के आगे के रास्ते की तरफ पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल खड़ा पहाड़ ये ऊपर बिल्कुल खड़ा पहाड़ है। ये 2 घंटे से हम वहाँ से नीचे इस तरह पहाड़ों से होते हुए यहाँ तक पहुँचे। ये अली और ये हामिद जो है ना थक गए और ये हमारा सफ़र जो है ना तवील है।
वो पहाड़ी के पीछे जाना है हमने, इस तरह हो के इस पीछे, इस पहाड़ी के पीछे से वापसी का सफ़र है। थकावट बहुत हो गई है, ये पहाड़ इसके पीछे से इंशाल्लाह वापसी है हमारी, और वो पहाड़ों पे बादल भी है, ये नाले के साथ साथ ही ऊपर जा रहे हैं। और ये दूरबीन में जो है ना मारखोर को देख रहा है, लेकिन अभी तक हमें एक मारखोर भी नहीं दिखा। राम चकोर भी अगर मिल गया तो वो भी काफ़ी है। ये वहाँ से होके हमारे उस ट्रे के लिए रुके, पत्ते पानी ग्लेशियर से आ रहा है, वो वहाँ तक रास्ता। हाँ अली भाई, क्या हो रहा है? ये हल्का फुल्का स्नैक खा रहे। वहाँ पर जाना है हमें ऊपर, ये स्लिप जगह भी है, वहाँ नीचे से और वो दूर गाँव से। ये दो याक, यहाँ इसको जू बोलते हैं, ये भी यहाँ ऊपर चढ़े हुए। अभी ज़्यादा करीब नहीं जा सकते, ऐसे नहीं हमें नुकसान ना पहुँचाने। ये इस रास्ते से हम ऊपर आए, खतरनाक रास्ता था। पानी की बोतलें भी ज़्यादा नहीं है, एक बोतल है। अली देख रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ये हम वहाँ से आ रहे हैं और अभी तकरीबन चोटी के ऊपर पहुँच गए। देखते हैं, ख़त्म हो ही, ये तो आगे और पहाड़ है, ख़त्म तो नहीं हुआ। मैं तो समझा अभी उतरना है। यहाँ से रास्ता चेंज करते हुए अभी हमने जाना है, रास्ता भी ढूंढना है कि गाँव की तरफ नीचे वापसी रास्ता कौन है। वैसे मेन रास्ता तो यही था, यहाँ से भी दूसरा रास्ता बना के इंशाल्लाह नीचे जाएंगे। ये भी हम स्टे करने के लिए यहाँ पहुँच गए, घंटा दो घंटे यहाँ स्टे करेंगे, खाना वाना खाएंगे, नमाज नमाज पढ़ के फिर यहाँ से वापसी होगी। ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन थी। इन लोगों ने यहाँ कमरे वमरे बनाए हुए, बकरियों मकरियों के लिए। हाँ गिर ना जाए। बहुत ज़बरदस्त जगह है, खामोशी बिल्कुल। ये लोग यहाँ जानवर छोड़ के
सर्दियों में पेरिस को लेने आते हैं। जब सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं तो इसको वापस लेने आते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरा भाई लोग, ये देखो ये किनो नाले का हड है। ये देखो मेरे भाई लोग, ये इसके अंदर माल मवेशी लेके लोग इधर पहाड़ पे आके यहाँ पे ठहर जाते हैं। ये अभी तो ये इसमें तीन हट हैं, एक वो दो तीन, और ये हमारा अपना सलमान भाई और ये हमीद भाई हमारा कुकिंग कर रहे हैं। हाँ मेरे भाई लोग, ये हम दो कुक लगे हुए हैं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, आग लगा रहा है। ओहो हो माशाल्लाह, वो पतीले का ढकना जरा हटाए, जरा दिखाए। ओ माशाल्लाह भाई माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन इंशाल्लाह यहां आएंगे फिर। अच्छा स्टे करने के लिए ठीक हो गया मेरे भाई। ये भी मत डालो ये प्लास्टिक में, ये तेरे खाने में इसकी भी होगी। ये यहाँ पे अभी हमारा पिकनिक तकरीबन पूरा हो गया, यहाँ से अभी वापसी लेट हो गए। चलो देखते हैं कि रोशनी में पहुँच जाएगा, बस कम 3-3.5 घंटे का तो रास्ता है और 4 अभी यहाँ बजने वाले। राम चकोर की आवाज़ें आ रही है, ये भी कोशिश करते हैं कि अगर आ गया नज़र तो उसको शिकार करते, लेकिन मुश्किल है, लेट हो गए और वो दूर दूर से आवाज़ें आ रही है। ये देखो हामिद को जल्दी है कि भी जाते हैं। ये यहाँ पे अभी हमारा पिकनिक तकरीबन पूरा हो गया, यहाँ से अभी वापसी लेट हो गए। चलो देखते हैं कि रोशनी में पहुँच जाएगा, बस कम 3-3.5 घंटे का तो रास्ता है और 4 अभी यहाँ बजने वाले। राम चकोर की आवाज़ें आ रही है, ये भी कोशिश करते हैं कि अगर आ गया नज़र तो उसको शिकार करते, लेकिन मुश्किल है, लेट हो गए और वो दूर दूर से आवाज़ें आ रही। ये देखो हामिद को जल्दी है कि भी जाते हैं। ये अभी हमने स्टे में कर लिया, खाना वाना खा के चाय माय पी के यहाँ से वापस निकलने लगे। टाइम तकरीबन 4:30-5 बज गए और हमें रास्ता बहुत ज़्यादा है, देखते रोशनी में पहुँच जाए। वापसी रास्ता वो पहाड़ क्रॉस करना है, वो दिखाओ, वो पहाड़ क्रॉस करके वहाँ उस गांव का क्या नाम है, तंदल से हो के फिर गाड़ी के पास पहुंचेंगे। बहुत ज़बरदस्त जगह है। चलो आज इस रास्ते से चले, बड़ा ख़तरनाक रास्ता था ये। अभी माशाल्लाह ज़बरदस्त व्यू है। अब यहाँ से होके हम जाएंगे वो पूरा स्कर्दू गंबा, सब कुछ नज़र आ रहा है उस पहाड़ के पीछे से हम आ रहे हैं। सलमान भाई ये बिल्कुल हम ये देखो चोटी के ऊपर से आए, वो बड़ा खतरनाक रास्ता था यार। वो देखो वो पानी नहीं आ रहा उस रास्ते से, हम लोग उधर गए वो हट से हट गए। देखो वो पानी आ रहा है नीचे से, हम आके उधर वो हट नहीं है, वो सब उस जगह तक गए और यहाँ से इस तरह होके इन पहाड़ों से ये जगह बड़ी डेंजर थी।
इधर नीचे इस पे पत्थरों को पकड़ के ऊपर चढ़ना था, अल्लाह ने बचा लिया है। ये वीडियो वो ऊपर ग्लेशियर है।